हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में मैं बात करूंगी दो कैश स्टॉक्स की। कैश स्टॉक्स में अगर आपने देखा होगा, आज मैंने आनंद राठी दिया था और आनंद राठी पे 3 दिन पहले मैंने एक रील बनाई थी जो मैंने इंस्टा पे डाली थी और यूट्यूब के शॉर्ट्स में डाली थी, आप जाके देख सकते हो। और मैंने बोला था ये स्टॉक मुझे 700 रुपए भी अच्छा लग रहा था और आज 4000 पे खड़ा है, वहां पे भी ये मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आज स्टॉक ने 4000 से चल के 4200 का हाई लगाया है। इतना बड़ा स्टॉक होने के बाद भी आपको 5% का रिटर्न मिला है। दो स्टॉक्स मैंने निकाले हैं उसी तरीके के हैं, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिस स्टॉक की मैं पहले बात करूंगी, सेकंड वाला मेरा ज्यादा फेवरेट है। पहला वाला जो है टेक्निकली फंडामेंटली ठीक लगता है, रीजन सेम रहेगा। मार्केट बहुत नेगेटिव है, मार्केट में काफी करेक्शन हुआ, निफ्टी खुली, थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करी, बियर्स वर एग्रेसिव, फिर से मार्केट नीचे आई है। बट दीज टू स्टॉक्स हैव शोन रेजिलियंस, मार्केट में अपनी ताकत दिखाई है इन्होंने, नीचे के लेवल से बाउंस किया है और अपने पास्ट जितने भी पास्ट बैरियर्स को कवर करके अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। तो पहले स्टॉक की मैं बात करती हूँ, इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 50% के ऊपर, ऑलमोस्ट 55% के ऊपर। इट हैज बीन मेंटेनिंग गुड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अगर हम इनके नेट प्रॉफिट की बात करें, लगातार There is a growth in net profit. अगर हम sales की बात करें, 2020 से लेके अब तक इनकी sales जो है almost 4 times हो चुकी है। और अगर EPS की बात करें तो EPS is almost stable. अगर हम बात करते हैं कि इनकी sales growth year on year basis पे कैसी है, तो 2012 में roughly it was about 600 crores, जो कि बढ़ के अभी तक हो गई है 2000 इस साल में हो गई है, इस financial year में हो गई है 2000 करोड़ की। Almost 3-3.5% increment in its sales. अगर हम operating profit margins की बात करते हैं, कभी कभी operating profit margins जो थे धीरे धीरे एक growth हुई है, 10% था, 5% था, 75, 76, so and so forth, और अब जाके 56% पे operating profit margins है। अगर हम बात करते हैं इनके net profit की, तो year on year basis there is a consistent growth in the operating net profit. Not operating profits, but net profits. EPS की बात करें तो EPS में भी एक बहुत छोटा सा EPS है, but लगातार grow कर रहे हैं, they are paying dividend also on a regular basis. अगर हम बात करते हैं इनके reserves की, तो reserves है 3,642 crores की and borrowings है 8,800 crores की. Cash flow की अगर हम बात करते हैं, तो cash from operating activity थोड़ा सा negative है, but profits from operation, they are having profits from operations, and agar dekha jaye to company is almost very very cash rich, right? Jo inhone loan advances diye hue hai wo kareeb 3254 crores ke hai, to as of now company is cash rich. This is a very important point for me. Aur agar hum debtor days ki baat kare to bahut chote se 8 days hai debtor days, aur agar inke hum baat karte hain ROCE ki, to that is also almost in 2 digits. Promoters holding थोड़ी सी नीचे गई है, from 74.6% it has come down to 69.88%. But अगर हम DIIs की holding की बात करें, तो 4.8% से बढ़ के 14.18% हो गई है अभी तक, March 2024 तक। और जहां तक कि हम बात करते हैं कि DIIs की holding, which is also increasing slightly, जो initially थी 0.04%, बढ़ के अब 0.85% हो गई है। So this is how you know this stock looks like, and इस company का नाम है Capri Global और CGCL, और ये किस segment में काम करती है? Capri Global is a diversified non-banking financial NBFC with a presence across diverse segments like MSME, affordable housing, construction finance segment and car loan distribution, and forayed into gold loans in August 2022. तो अगर हम इनके पोर्टफोलियो की बात करें, तो ये लोग MSME को लोन देते हैं, बिजनेस लोन अगेंस्ट रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज, हाउसिंग फाइनेंस करते हैं, ये लोग गोल्ड लोन देते हैं, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस करते हैं, इनडायरेक्ट लेंडिंग करते हैं, कार लोन्स देते हैं, और इनके पार्टनर्स जो है HDFC बैंक है, यस बैंक है, बैंक बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक, IOB, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक। अगर हम इनके बात करते हैं कि इनका जो ज्योग्राफिकल प्रेजेंस है, महाराष्ट्र में 5%, दिल्ली में 11% है, गुजरात में 18% है, मध्य प्रदेश में 32%,
राजस्थान 31%, यूपी 3% एंड पंजाब एंड हरियाणा 1%। सो अगर इनके हम बोरोइंग्स की बात करें तो इन द ईयर 2024 कंपनी हैज एन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग ऑफ 6,339 करोड़। सीजीसीएल हैज एक्टिव बोरोइंग पार्टनरशिप विद 21 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस पीएसयू बैंक्स। जो इनका टारगेट है एसेट एंड जो मैनेजमेंट जो है इनका जो टारगेट है उसका रहेगा 30,000 करोड़ एंड अर्निंग टारगेट ऑफ मिड टीन आरओई, दैट मींस अराउंड 15% का ये जो सोच रहे हैं आरओई जनरेट करेंगे। एज ऑफ नाउ जो इनका आरओई है वो है 7.46%। एक बार क्विकली इनका प्राइस को भी देख सकते हैं, दिस इज हाउ द प्राइस लुक्स। अगर आप देखेंगे ये वीकली टाइम फ्रेम है, प्राइस ऊपर गया, कंसोलिडेट किया, एक ब्रेकआउट दिया प्राइस ने, उसके बाद प्राइस ने अपनी बाउंड्रीज को डिफाइन किया और आज इन स्पाइट ऑफ नेगेटिव मार्केट इसने काफी अच्छे से ब्रेकआउट दिया है। अब मुझे लगता है कि इसमें अगर ये 251 252 के ऊपर जाता है तो पहला टारगेट हमको स्ट्रेट अवे मिलेगा 289, और अगर 289 को क्रॉस कर जाते हैं तो 300 320। दीज टारगेट्स आर गोइंग टू बी इन साइट, लाइक यू कैन वॉच देम, यू कैन होल्ड इट फॉर अ टारगेट ऑफ 350 400 तक के टारगेट आप आने वाले एक साल में दिख सकते हैं। सो ये मेरा पहला स्टॉक था। अब चलते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ। पहले दूसरे स्टॉक के फंडामेंटल्स को चेक कर लेते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर किस तरह की सेल्स हुई है। 459 जो दिसंबर 2020 में था बढ़ के अब हो गया है दिसंबर 2023 तक 602 करोड़ का। अगर हम इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये 20-22% के करीब इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। नेट प्रॉफिट बीच में डिप हुए थे और अब फिर से दोबारा से बढ़ने शुरू हो गए हैं। एक छोटा सा ईपीएस भी ये लोग जनरेट करते हैं। उसके बाद अगर हम ईयर ऑन ईयर सेल्स की बात करते हैं 956 करोड़ की सेल है और बढ़ के जो कि इस साल में अभी तक हो गए 2,313 करोड़ की। अगर हम बात करते हैं इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो लगातार देर इज अ ग्रोथ बट देर हैज बीन अ स्लाइट डिक्लाइन एज वेल। एंड ईपीएस की बात करें तो कुछ 29 रुपए, 14 रुपए, 27 रुपए, 19 रुपए, लाइक दैट दे आर जनरेटिंग ईपीएस एज वेल। अगर हम बात करते हैं इनके रिजर्व्स की तो 3,190 करोड़ के रिजर्व्स है और 4 करोड़ की बोरिंग है, मीन्स बोरिंग ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। और अगर बात करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दे हैव बीन जनरेटिंग गुड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड द प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशंस आर प्रीटी डिसेंट और कंपनी इज रियली हैविंग गुड कैश इन हैंड। ओके, डेटर डेज आर ऑलमोस्ट 27 और इनका आरओई जो है थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, उसमें अभी जाके 16% के आसपास है। अगर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो विच इज कॉन्स्टेंट स्टेबल फ्रॉम 74.93%। और अगर हम बात करते हैं FIIs की होल्डिंग इज 3.09% और FDIIs ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया टू 13% एंड गवर्नमेंट की होल्डिंग जीरो है, आम पब्लिक की होल्डिंग इसमें केवल 8.64% की है। अब बात करते हैं कि ये स्टॉक का सेगमेंट क्या है। ये स्टॉक का नाम है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, BDL इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज। इट इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गाइडेड मिसाइल्स एंड अलाइड डिफेंस इक्विपमेंट्स। भारत डायनेमिक्स वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1970 as a government of India enterprise under the Ministry of Defense. The company manufactures anti-tank guided missile, surface to air-to-air missile weapon system. What I'm more interested in ki inka jo order book hai uska kya situation. The company has received new order worth 1659 crores in year 24, taking their order book to 20,766. Order book has really gone up and the company has a revenue target of 3,200 crores. The BDL's export order is roughly about 2,600 crores. So the company plans to expand 2-4% of sales in R&D in year 24. So this is how the company looks. Now we're going to look at the price of BDL, which is very, very promising as the market fell today. Market gira hai, but stock ne apni resilience dikhai hai aur ek रेंज, मतलब एक रेंज में ही रहा है। अब मुझे क्या लगता है कि अगर ये स्टॉक 1841 के ऊपर जाता है आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी फॉर एन इमीडिएट टारगेट ऑफ 1980, और अगर 1980 को क्रॉस कर जाता है तो 2100, 2300 एंड 2500 के टारगेट्स आपको बहुत जल्दी आते दिखाई देंगे। प्लीज आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करिए, बिकॉज आई ट्राई टू गिव माई रिसर्च एंड ऑल ऑफ यू राइट a lot of things. कोई लिखते हैं कि आप ऑपरेटर बन गए हो अब, whatever, whatever. See, I simply share my research. मेरा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव केवल एक ही है कि
जितने भी आप लोगों को जो कोई बहुत रिसर्च अफोर्ड नहीं कर सकते हो किसी से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की, वो लोग आए यहाँ पे और पैसे बनाए। मेरा सिंपल सा एक यही ऑब्जेक्टिव है। एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो एक थम्स अप दीजिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। बहुत सारे लोग, इतने सारे लोग हैं अभी इंडिया में जो कि लगातार पैसा लूज करते हैं। टू हेल्प देम आउट जस्ट शेयर माई वीडियोज, जस्ट शेयर माई टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम का चैनल वीडियो के लिंक में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाके मेरी टीम से ही बात करिए या उसी टेलीग्राम चैनल को ही ज्वाइन करिए। नहीं तो क्या होगा, कई सारे गलत लोगों ने मेरा डीपी लगा रखा है और वो आपसे अकाउंट हैंडलिंग की बात करते हैं, वो आपसे बात करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग की। वी डू नथिंग ऑफ दिस, प्लीज रिमेंबर, वी डोंट डू एनी ऑफ इट। सो प्लीज बी वेयर, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, किसी को अपना अकाउंट हैंडल करने के लिए देते हैं या कोई टिप लेते हैं पे करके, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, नॉट मी। वी आर डूइंग नथिंग ऑफ इट। सो ऑल द बेस्ट, होपफुली मार्केट में टेक लिटिल सपोर्ट टुमारो एंड दीज टू स्टॉक्स में गिव यू गुड ब्रेकआउट। स्टे ट्यून्ड, साथ जुड़े रहिए और मेरे टेलीग्राम चैनल पे अलर्ट रहिए। लाइव मार्केट में आज स्टॉक दिया था, फिर से मैंने आनंद राठी दिया था, ONGC दिया था आपको और CBS बैंक दिया था, तीनों ने बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट दिए हैं। इसी के साथ मैं साइन ऑफ करती हूँ। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर गाइज, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लाइव ट्रेडिंग एवरी डे फ्रॉम 10 टू 11। बाय बाय।